नमस्कार दोस्तों, रॉयल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और ये रहा 13वां क्वेश्चन जो कि हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही दिया और कुछ बच्चों ने इसका आंसर नहीं दे पाए। पता नहीं क्यों कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए। कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा था हमने, और जो भी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना। तो आइए मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, तो आप इसको समझिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु, वही हमें जीवन रेखा बनानी है। ये वर्तमान है और ये बाद है और ये पहले है। इस मेथड से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे स्पेशल टाइप वाले, उन्हें भी हम करेंगे, जो मोस्टली कठिन। वैसे कठिन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बच्चों की नज़र में कुछ क्वेश्चन कठिन है, उनका मैं एक सेपरेटली वीडियो अलग बनाऊंगा। और प्रैक्टिस के तौर पर अभी मैं आपको 40-50 क्वेश्चन का एक अलग से भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ये लेकिन टाइप वाइज है, है ना। तो अभी आप इसको देखिए, 10 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान से हम 10 वर्ष पूर्व आ गए। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो ये हो गए फादर और ये हो गए सन। तो आयु क्या है? तिगुनी है। तिगुनी मतलब सन मतलब बेटे, एक के होंगे तो पिताजी कितने के होंगे? दो के होंगे। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, मतलब फादर और सन की वर्तमान में आयु दुगनी है। अगर बेटा एक के हैं तो पिताजी दो के होंगे। तो बच्चों से यही गलती हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने जो गलत क्वेश्चन गलत आंसर दिया था वो यही दिया था। क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में, अंतर आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। यहां पर देखिए, पिताजी में और बेटे में कितने का अंतर है? 2 वर्ष का, और यहां पर कितने का है? 1 वर्ष का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर बराबर करना पड़ेगा। यहां हम 1 से गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, यहां हमको 2 से गुणा करना है तो 1 से गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा हमारा, है ना। अब हम देखेंगे कि यूनिट में कितना बढ़ रहा है? 1, और वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 10। तो हमसे क्या पूछा है? पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। अगर हमसे पिताजी की 10 साल पहले की आयु पूछा होता तो 1 की वैल्यू 10 है, 3 की वैल्यू 30 हो जाती, लेकिन वर्तमान पूछा है। जब हमसे वर्तमान पूछा है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चों, जिनने इसका आंसर सही दिया था और नहीं दिया वो थोड़ा सा समझ लें कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनका एक आंसर गलत हो गया। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। है मतलब क्या बोला? वर्तमान, वही है। ये हमारा वर्तमान, ये हमारा बाद और ये हमारा पहले का। क्या बोला था? 4 गुना है रमेश की आयु राहुल की आयु का, है ना। तो बार बार समझ गए हम, वही पिताजी और वही बेटे हैं, है ना। तो बेटा छोटा ही होगा तो 1 लिख दिया, पिताजी बड़े होंगे तो 4 लिख दिए, है ना। समझ लिया करो। 5 वर्ष पूर्व, लिखने की जरूरत नहीं होती ना, ये लाइन खींचने की जरूरत होती, जब सवाल को सॉल्व कर रहा होते हैं ना तो फटाफट करना होता है, है ना। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीजों को लिखता हूँ, है ना, लेकिन जब आपको एग्जाम में करना है तो आपको इतनी विधि से आपको समझना नहीं है, वहां पर आपको आंसर पर टिक करना है, इसलिए ये सारी चीजें मत करना, ऐसे करना ऐसे करना, डायरेक्ट लिख देना फटाफट, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, तो यहां आ गए हम 5 वर्ष पूर्व। रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, 9 गुना थी मतलब राहुल 1 के होंगे तो पिताजी कितने के होंगे? 9 के होंगे। यहां हम देख रहे हैं
कि कितने का अंतर है, तीन का, और यहां कितने का अंतर है, आठ का, तो अंतर बराबर कर देंगे। तो नौतिया 27, तीन एकम तीन, आठ चौको 32 और आठ एकम आठ। यहां अंतर तीन से आठ में अंतर और 27 से 32 में अंतर, हमेशा अंतर बराबर रहेगा। कितने का अंतर है, पांच का, यूनिट में पांच का अंतर है और वर्षों में कितने का है, पांच का अंतर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। तो हमसे क्या पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब एक की वैल्यू एक है तो 32 की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी। ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए आइए, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और आगे भी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। आप उठा के चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप करेंगे गूगल पे तो बता देगा ये क्वेश्चन किस पेपर में आया है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। वही लाइन खींचना है, जीवन रेखा। वर्तमान में कितना है, 5 ए का होगा, 7 बी का होगा। दो वर्ष बाद, तो यही आ गए हम, दो वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी मतलब ए और बी की, ए का कितना है 8 और बी का 11। देखो ये छोटा था ए था, बड़ा था बी था, यहां भी बड़ा बी है और यहां भी बड़ा बी है। हम देख रहे हैं कि यहां पर कितने का अंतर है, 2 का, और यहां पर कितने का अंतर है बताओ, बिल्कुल है ना, कितने का, 3 का। तो हमें अंतर क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। 5 3 15 और 7 3 21, 8 2 16, 11 2 22। हम देख रहे हैं कि यूनिट में कितना बड़ा, 1, और वर्षों में कितना बड़ा, 2। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ए और बी की आयु ज्ञात करें। तो हमसे क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है। तो देखो ए की कितनी हो जाएगी, 15 2 3 0, ये हमारी ए की आयु आ गई। और बी का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 21 2 42, ये हमारी बी की आयु आ गई। सबसे बेस्ट मेथड से पढ़ रहे हो बच्चों आप। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लिया तो कभी भी एज का प्रॉब्लम अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है, एज प्रॉब्लम का टॉपिक, तो विश्वास मानिए आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। देखिए वैसे तो क्लास में हम इसकी लगभग 10 दिन पढ़ाते हैं, इस प्रॉब्लम ही लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट हो पाता है। लेकिन कंबाइंड करके मैं एडजस्ट करूंगा कि यहाँ पर कम समय में हो जाए पूरा, फिर भी आप थोड़ा सा देखिए। और चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीता तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। देखिए वही हम लाइन खींच लेते हैं, जीवन रेखा। योग बोला है मतलब रीना और उसकी माता, रीना और उनकी माता का योग कितना है, 49 वर्ष है। दो व्यक्ति, रीना और उनकी माँ, योग मतलब रीना की आयु जोड़ो और उनकी मम्मी की आयु जोड़ो, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 49 वर्ष आएगा। योग यहां पर क्या बोला है, योग 49 वर्ष। अब बोला है 7 वर्ष पूर्व, तो ये आ गए हम 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी, मतलब रीना की अगर 1 होगी तो उनकी माँ की कितनी होगी, 4 होगी। तो हमसे पूछा है कि रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए हम आपको एक छोटी सी रूल या छोटी सी बात बताते हैं, आप थोड़ा समझिए और जरूरत पड़े तो आप इसको लिख लीजिएगा। इस सवाल में हमें वर्तमान में आयु का योग दिया है और 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। वर्तमान में हमें आयु का योग दिया है और 7 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल आयु है ना, इस आयु को अनुपात
के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये अनुपात हमारा 7 वर्ष पहले का है। अगर हम इस आयु को 7 वर्ष पहले ले जाएंगे तो एक व्यक्ति की मीन्स रीना की, दूसरे व्यक्ति की मीन्स उसकी माँ की, मतलब अगर हम 7 वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों की आयु कम होगी, एक की 7 कम होगी और दोनों की कितनी कम होगी, 14 कम होगी। तो हम यहां से क्या करते हैं, ये माइनस कर लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, मतलब आज से 7 साल पहले रीना और उनकी माँ की आयु दोनों की मिक्स, दोनों को जोड़ के कितना होगा, 35 होगा। तो देखो अनुपात हम जोड़ते हैं 35 और आयु जब जोड़ेंगे तो टोटल कितनी है, 35 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। आज से 7 साल पहले, ये आज है, आज से 7 साल पहले रीना की माता की आयु निकालें तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28। 28 साल की थी कब, आज से 7 साल पहले। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीना की माता की वर्तमान आयु बताओ, तो हम 28 में 7 जोड़ देंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा, है ना, 5 7 2 14 15 2 1 3। इसका आंसर है 35 वर्ष। मींस रीना की माता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। ये हमने सवाल करने का तरीका बताया। अगर इसी में पूछा होता कि रीना की आयु बताओ, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 आई तो 7 आ जाती और वर्तमान में 7 और जोड़ देते, 14 साल की हमारी रीना हो जाती। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपको दिखा नहीं हो, मैं एक बार और बता देता हूं, आसान क्वेश्चन है। पीछे गए तो 35 वर्ष क्यों गए, क्योंकि हमारे पास अनुपात दिया है आज से 7 साल पहले का। तो हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली, 7 आ गई और 4 यूनिट की वैल्यू 28, मतलब ये माँ की आयु है और हम वर्तमान निकालनी थी इसलिए हमने उसमें कितने और जोड़ दिए, 7। तो ये 35 वर्ष इसका आंसर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था। तो देखिए ये हम जीवन रेखा बना देंगे, वही जो पहले बनाए थे, ये वर्तमान, ये बाद और ये पहले का। तो हमसे क्या कहा है, 6 वर्ष पहले, तो यह मांगा है 6 वर्ष पहले कितना था, 8:5 था। बार बार नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचाना है और एग्जाम में इसको भी इतना जमा के नहीं लिखना है, है ना, बस समझने के लिए आप अभी यहां पर है ये। फिर कहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद जैसे ही बोले तो बाद आ जाओ, इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए देखिए, हमने आपको बताया था आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा, तो यहां पर कितने का अंतर है, 3 का, और यहां पर कितने का अंतर है, 2 का। तो अंतर बराबर करना पड़ेगा, यहां से 2 से गुणा, यहां पर 3 से गुणा, 8 2 16, 5 2 10, 9 3 27, 7 3 21। अब हम देखते हैं कि कितना बड़ा, 4 वो और 7 वो, मतलब 11 बड़ा। और वर्षों में कितना बड़ा, यहां से यहां तक 6 5 11, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहित हमारा कौन सा था बताइए, रोहित थे हमारे सेकंड वाले। एक यूनिट की वैल्यू 1 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 होंगी, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आज से ये वर्तमान है हमारा, आज से हमारा 6 साल पहले का आंसर आया है, लेकिन हमें बताना है वर्तमान। तो 10 में हमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे और 16 हमारा रोहित की वर्तमान आयु आ जाएगी। और अगर यही हमसे पूछते कि कुणाल की वर्तमान आयु बताइए, तो हम क्या करते, 16 2 32, यहां पर सॉरी 1 की वैल्यू 1 है तो 16 की वैल्यू 16 हो जाएगी और उसमें 5 और जोड़ देंगे, तो
तो हमारा कुणाल की आयु वर्तमान 22 आ जाएगी समझाने के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 4 वर्ष पहले वही फिर से जीवन रेखा, इस एक मेथड से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कुछ सवाल नहीं होंगे तो वो हम बता देंगे आपको। 4 वर्ष पहले आ गए, कितना था? 4:3 था। 3 वर्ष बाद आ गए, आयु का योग बताया है कितना? 70। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए इससे पहले इस टाइप का एक सवाल हो गया लेकिन योग दिया था हमें यहां पर और अनुपात दिया था हमें यहां पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें अनुपात यहां दिया है, हमें अनुपात खींच हमें आयु का योग खींच कर अनुपात के पास लाना होगा। जब हम इसको लाएंगे तो आप देख रहे होगे यहां से यहां तक 3 वर्ष हो रहे हैं और यहां से यहां तक 7 वर्ष हो रहे हैं। एक व्यक्ति की 7 वर्ष आयु कम होगी तो दो व्यक्ति की कितनी आयु कम होगी? 14 वर्ष। तो 14 इसमें से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जब इसमें से बचेंगे तो वो कितने बचेंगे पता है आपको? यहां पर कितने बचे? 6, और 6 में से एक गए 5। 56 वर्ष वर्तमान से 4 साल पहले का है। तो देखो आप 4 और 3 7, 7 बराबर 56, 1 बराबर 8। तो हमसे क्या पूछा है? ए की वर्तमान आयु, तो हमारे ए है, आज से 4 साल पहले कितना आ जाएगा? 8 चौको 32। और हमें क्या बताना है? वर्तमान। तो हम कितना और जोड़ देंगे इसमें? 4 और जोड़ देंगे तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए छह वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:4। ये आ रहा 5:4। 3 वर्ष ये लिखा है, 6 वर्ष बाद लिखा है। यहां पर ये पहले गलत है क्योंकि यहां भी पहले है और ये भी पहले है, तो एक पहले गलत है, इसको अपन बात कर लो ना, 6 वर्ष बाद करो इसको, है ना। तो ये कर दिया हमने 6 वर्ष बाद। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:4। ये 5:4 कर दिया। 3 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 54, इनकी आयु का योग 54 था, कितना? 3 वर्ष। तो यहां पर 3 कर देते हम और ये 5:4 की जगह क्या हो जाएगा? 54। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए पहले हमें इस सवाल में देखिए हमें आयु का योग यहां दिया था और हमें पहले जा रहे थे, हम घटा रहे थे यहां पर, लेकिन इस बार हमें आयु का योग यहां दिया है और अनुपात यहां दिया है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, इस तरफ जोड़ते हैं और इस तरफ घटाते हैं। तो 6 और 3 9, 1 में 9 और 2 में 18, तो 54 में 18 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितने की वैल्यू? 9 की वैल्यू 72, तो 1 की वैल्यू 9 8 72। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, ये हमारे ये है ए, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू 8 × 5 = 40। वर्तमान से कितने साल बाद की है? 6 साल बाद की, तो हम 6 घटा देंगे इसमें से। जब हम इसमें से 6 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या बचेगा? 34। ये हमारे ए की वर्तमान आयु आ गई 34। मुझे आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट है ना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2 और 3 है, ये बी। 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 8:11। पहले हम चेक कर ले अनुपात का अंतर बराबर है कि नहीं है, यहां पर 1 का और यहां पर कितने का हो गया? गलत है, ये 3 का है ना,
तो यहाँ पर बराबर करेंगे, यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 1 से, 1 से करेंगे तो वही का वही आ जाएगा 8 और 11, और यहाँ पर 6 और 9, तो कितना बड़ा 2, और वर्षों में कितना बड़ा 6, 1 बराबर 3। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो बी का कितना है 9 है, 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27, ये 27 वर्ष हमारा आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो, मैं देख रहा हूँ कितना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो विश्वास मानिए कि पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के साथ बोलिए कि वो इसको अच्छे से देखें और समझें, है ना। थैंक यू वेरी मच।